यहाँ पे भद्राचार्य से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके धीरेन्द्राचार्य से लेके सभी लोग आ रहे हैं बाबा। जी जी सभी लोग आ रहे हैं। अभी है कि एक दिन सभी लोग नहीं आएंगे, बारी डेट बाई डेट सब लोग का प्रोग्राम है। भद्राचार्य हिली ना जी जितना घड़ी महिका खाता लोग सब वही में देह में जान हिले नहीं के अपन खाली एबरा फैशन बा खाली। विशेषता ये है कि सवा करोड़ पार्थिव पूजन का विशेष है। हाँ सवा करोड़ पार्थिव पूजन का है इसमें। हाँ हाँ खाने पीने का तो कुंभ वाला यहाँ टेंट नहीं आया तो आगरा से टेंट आया है कि जो कुंभ जैसा लगाया हुआ है पूरा यहाँ चारों साइड में। कुंभ हम लोग देखे थे प्रयागराज में वैसे ही से लगा हुआ। हाँ 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 कुंभ वाला सिस्टम। जो राम के पूजे सब जयकारा लगाए ऐसी होती है महान, ऐसी होती महान। तो हमारे साथ अभी रामनगर मठ के बाबा हैं, इनसे पूरी जानकारी यहाँ का प्राप्त करेंगे। जो यहाँ पे लगभग कितने दिन से बाबा रह रहे हैं आप? हमको तो 20 वर्ष हो गया यहाँ रहते हुए। इससे पहले भी आए थे तो उस जात के बारे में बताए थे जो जाता है। जी 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 हमको 20 वर्ष हो गया है। मंदिर की क्या विशेषता है बाबा, थोड़ा बताइए दर्शकों को। मंदिर का तो विशेषता यह है कि मान लीजिए 700 साल पुराना मंदिर है और ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ का जो कुछ ऐसा ऐसा चीज है जो इतिहास यहाँ का कायम अभी है कि हाँ इतना पुराना ये मठ है मंदिर है। जी यही तो है यहाँ का। ये मंदिर अभी जब बन रहा था तो हम लोग आए थे, कितना खर्च लग गया मंदिर इस बनने में? जी हाँ मंदिर का तो वो मथुरा गुरु भाई बताएंगे कितना लगा है, लेकिन 3 करोड़ से तो कम नहीं है लगा है हम लोगों को देखने में। क्या कि जितना वैभव से काम चल रहा है चाहे सबको नजर में है ये 3 करोड़ से। थोड़ा सा वो आपको जाता दिखा दिया जाए उसको, उसी से पूरे गाँव के लोग आटा पीसते थे और खाते थे और पूरा गाँव के लोग बाबा खाते रहे। जी जी गाँव के लोगों बड़ा इतना जनसंख्या नहीं था, उतना जनसंख्या पहले नहीं ना था जितना अभी जनसंख्या, इतना जनसंख्या नहीं था जी। तो वो पूरा गांव का काम चल जाता था यहीं से। जी 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 तो ये पूरा बाबा प्लास्टर वोस्टर करवा दिए हैं साहब? हाँ 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 हा, सब यहीं पे रहेंगे आप बाबा? हम तो यहाँ रहते हैं, यहाँ रहते हैं। इस लोग तो आएंगे जाएंगे सब जग वाले हैं, हम लोग कहाँ जाएंगे? महिला लोग बाबा गाँव के लोग हैं आने घूमने वाले सब यहाँ। चलो तो देख सकते हैं इस, तो जाता के बारे में तो नहीं बताएंगे बाबा, जाता के बारे में? हाँ तो जाता के क्या बारे में बताएं, जाता देखिए सब ऐतिहासिक चीज बा। तो ये बाबा ए बाबा ये जातवा बड़ा नाची अभी बड़ा कहाँ नाच पाइए बड़ा हमने से ही ली हिलो मान के बा हमने से एक खाली कोशिश को के देखल जा ना हिली ना जी ना हिली ना हिल पाई नहीं हिल तो नहीं बाबा ना हिल ना पाई। पहले के लोग अकेले चला देते रखो जाता के? अरे तो पहले के लोग का लगे जांगर रले बरा के लोग का लगे जांगर बा बोल बा सब पहले वाला सामान खाता लोगे घर। हाँ तो जितना घड़ी महिका खाता लोग सब वही में देह में जान हिले नहीं के अपन खाली एबरा फैशन बा खाली। जी जी बाबा यहाँ पे भद्राचार्य से लेके योगी आदित्यनाथ से लेके धीरेन्द्राचार्य से लेके सभी लोग आ रहे हैं बाबा। जी जी सभी लोग आ रहे हैं। अभी है कि एक दिन सभी लोग नहीं आएंगे, बारी डेट बाई डेट सब लोग का प्रोग्राम है। भद्राचार्य जो है उनका प्रोग्राम क्यों कैंसिल हो गया? जगत गुरु भद्राचार्य जी जी उनका तबीयत खराब भी है, अभी तो खराबे था लेकिन ठीक हो गए हैं कुछ, तो उनका तबीयत खराबे के चक्कर में प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी आएंगे उद्घाटन करने के लिए आएंगे। लेकिन जी 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 आएंगे एक दिन के लिए तो आएंगे। तो बाबा यहाँ पे ये सुने हैं कि 25 टन फूलों की वर्षा की जाएगी, जो भी कलश यात्रा में महिलाएं शामिल होंगी जो भी लोग शामिल होंगे उन पे पुष्प की वर्षा की जाएगी, ऐसा गोपालगंज में पहली बार हो रहा है? जी 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 गोपालगंज का बिहार में ऐसे हो रहा है पहले बार की जहाँ कलश यात्रा में हेलीकॉप्टर से फूल का वर्षा हो रहा है। सही बात है जी, सही बात है। हेलीपैड बन रहा है तो गलत होता तो हेलीपैड क्यों बनता है? आप फूल का भी ऑर्डर दे दिया गया है 25 टन फूल। हाँ 25 टन फूल का तो बहुत खर्चा लग रहा होगा हेलीकॉप्टर को लाने में। हाँ तो खर्चा तो पूरा जग में खर्चे है तो शुरू से लेकर लास्ट तक हथुआ महाराज बहादुर लगे हैं इसमें, सब लोग लगा है, जनता जनार्दन सबका भाव सबका इसमें लगा हुआ है। जो दूर दूर से आ रहे हैं उनको क्या कहिएगा? उनको भी तो यही कहेंगे कि आए अपना शांति से कथा सुने जग का आनंद लें। हाँ और तन मन धन जो सहयोग करने लायक हो अपना सहयोग करें। बाबा कितने लोग लगभग आ रहे हैं यहाँ पे जग में?
अनुमान कितना है? अनुमान तो मान लीजिए 1.5-2 लाख आदमी का तो अनुमान है, प्रतिदिन आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन कम से कम आपके यहाँ 25-50 हज़ार लोग तो प्रतिदिन का यहाँ व्यवस्था वैसे रखा होगा। खाने पीने टेंट सब चीज़ का व्यवस्था? हाँ हाँ, खाने पीने का तो कुंभ वाला यहाँ टेंट नहीं आया, तो आगरा से टेंट आया है कि जो कुंभ जैसा लगाया हुआ है पूरा यहाँ चारों साइड में। कुंभ हम लोग देखे थे प्रयागराज में, वैसे ही से लगा हुआ? हाँ हाँ हाँ, कुंभ वाला सिस्टम है, कहे कि बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं तो ठंडा का मौसम भी है, उन लोग को सेपरेट रहने का व्यवस्था भी तो चाहिए ना। हाँ, शौचालय का, पानी का, मोटर का सब व्यवस्था चल रहा है जी। पहली बार ऐसा हो रहा है भैया बाबा, पहली बार यहाँ पे हो रहा है कि रामभद्राचार्य से लेके बहुत जगत गुरु आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे प्रवचन 14 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक यहाँ पे प्रोग्राम चलेगा। और क्या विशेषता है बाबा थोड़ा? और इसमें विशेषता ये है कि 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन का विशेष है। 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन? हाँ, 1.25 करोड़ पार्थिव पूजन का है इसमें विशेष, और हम लोगों के तरफ से है, जितने लोग आएंगे उनको भोजन प्रसाद अपने तरफ से फुल व्यवस्था रखा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे साथ तमाम महिलाएं हैं जो कि आई हुई हैं, यहाँ पे बच्चे भी आए हुए हैं देखने के लिए रामनगर मठ की कैसे तैयारी की जाए। रामनगर मठ दिखा दीजिए, यहाँ पे इनार देखने के लिए महिलाएं आए हैं, प्रणाम कर रही हैं, दूर दूर से महिलाएं यहाँ पे, तमाम दूर दूर से लोग आए हुए हैं। अभी हम रामनगर जो मंदिर जहाँ पे यज्ञ हो रहा है उसी प्रांगण में हम मौजूद हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम महिलाएं आई हैं, महिलाएं दूर दूर से आई हुई हैं। चलिए शंकर भगवान के चाची एगो तरी शंकर भगवान के यज्ञ होता है तो नहीं गाना सुना दिलो मेरी प्यारी है दुनिया संसार ऐसी होती है पूरा महान, ऐसी मेरी भगवान को मानो दिल की होती है आत्मा। मेरी प्यारी हो मेरी प्यारी है दस महान, मेरी है दुनिया की संसार, जब मानो ऐसी दिल से धड़कन से तो होती है बहुत निशान। मिलने हम सबको जो राम के पूजे सब जयकारा लगाए, ऐसी होती है महान, ऐसी होती महान। दुनिया क्यों देखने वाली अपने चार में लगा लो, मेरी है भगवान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, देख सकते हैं कि कितना अच्छा गाना गा रही है और ये लड़की, और कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा गाना ये मंदिर के प्रांगण में रह के इन्होंने गाना गाया है। चाची वो दुर्गा जी के गाना ना गा लो, निमिया के डार चाहे जौन भी गाना लोग याद हो गया, चाची लोग से गाना सुन लिया। निमिया के डार मैया निमिया के डार मैया लावेली झूलू आवा की झूली झूली ना गावेली गीतिया की झूली झूली ना झूलता झूलता मैया के लगाली पियासिया हो कि चाली भैलीना मैया होरिया दुआर मैया चाली भैलीना सूता लबारू की जागल मालिनी छाक कोना मोई के पानिया देख सकते हैं कि चाची लोग आई लख घूमे मंदिर प्रांगण में मठ पाटे रामनगर के, ये सब कोई घूमे आई लख, और चाची लोग के आवाज लोग कैसा लगा जरूर बताएं लोग कमेंट बॉक्स में। बाबा जाते जाते जो बिहार के दर्शक आपको देख रहे हैं चाहे भारत के कहीं अन्य जिलों से देख रहे हैं आपको क्या कहिएगा? हम उन लोगों का धन्यवाद कहेंगे कि उन लोगों का सौभाग्य है कि अपने क्षेत्र में अपने गांव में अपने बिहार में इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो आकर के सब लोग आनंद ले इसमें, सुखमय हो इससे। चलिए तो हमारे साथ देख सकते हैं कि जो रामनगर मठ के बाबा थे, बाकी आप इनके बारे में क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो कॉन तक देखने के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। ठीक है।